मैं संजय यादव, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी। पिछले वीडियो में हम लोग विलयन के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। विलयन किसे कहते हैं? तो विलयन में हम पढ़ा चुके हैं कि विलय प्लस विलायक इक्वल टू विलयन। विलय किसे कहते हैं? जहां विलयन में जो पदार्थ विलयन में जो पदार्थ की मात्रा कम होती है वो विलय कहलाता है, और जिसकी मात्रा अधिक होती है वो क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। तो अब हम लोग आज पढ़ेंगे विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। देखो बेटा, एनसीईआरटी की बुक में आप हम हर टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं। आप जिस चैप्टर का जो टॉपिक खोलना चाहेंगे वो सर्च करके आप खोल सकते हैं। तो ये विलयन के प्रकार आज हम इस पर बहस करेंगे, कितने प्रकार के विलयन होते हैं। पिछले वीडियो में समांगी और विषमांगी विलयन का हमने चर्चा किया था। समांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है, लेकिन समांगी मिश्रण कैसे कैसे बन सकते हैं? एक्चुअल कहा जाए तो समांगी मिश्रण का विलयन 9 प्रकार से बन सकते हैं। कितने? 9 प्रकार से समांगी मिश्रण बन सकते हैं। तो समांगी मिश्रण बनेंगे उसी को विलयन कहा जाता है। तो यहां एक हम साड़ी दे रहे हैं, यहां पर हम विलयन ले रहे हैं। विलयन, विलयन में विलायक विलय, और यहां पर हम ले रहे हैं उदाहरण। उदाहरण भी हम बताएंगे आपको। तो यहां पर सबसे बढ़िया तरीका है, इस तरह कॉलम बना लीजिए, और कॉलम बना करके याद करने का ट्रिक भी हम दे रहे हैं। विलयन में हम पहले ठोस विलयन ले रहे हैं। कौन सा विलयन ले रहे हैं? ठोस विलयन, ठोस विलयन ले रहे हैं। अब देखो ठोस में कहेंगे ठोस विलयन कैसे, तो यहां पर देखो विलायक के रूप में ठोस, यहां एक बार और विलायक के रूप में ठोस, यहां एक और विलायक के रूप में ठोस। अब इस ठोस में विलय के रूप में हम क्रमशः यहां पर ठोस ही लेते हैं, ठोस में ठोस मिला दें, ठोस के बाद यहां पर द्रव ले लेते हैं और यहां पर गैस ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये ठोस विलयन का मतलब विलायक ये ठोस सभी होना चाहिए। अब विलय के रूप में हम जानते हैं कि द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती है मैटर की। तो एक में ठोस ले लिए, दूसरे में द्रव ले लिए, तीसरे में गैस ले लिए। अब सोचो अपने दिमाग से कि ठोस ठोस कौन सा समांगी मिश्रण बन सकता है। तो इसका सबसे बेहतर उदाहरण है मिश्र धातुएं। अब मिश्र धातुएं का मतलब कल पिछले वीडियो में मैंने दिया था पीतल, और पीतल के बाद हमने क्या दिया था? जर्मन सिल्वर। सिल्वर एक उदाहरण काफी है। तो पीतल में किस किस धातुओं का मिश्रण है भाई? जिंक और निकिल का। देखो तो ये भी ठोस है, ये भी ठोस है। तो विलायक भी ठोस, विलय भी ठोस, ये दोनों का मिश्रण है। लेकिन एक चीज यहां पर मैं बताना चाहूंगा, कंपटीशनों में कई बार पूछ चुका है, नोट में आए पर ले लेंगे कि ठोस ठोस मिश्रण, ठोस ठोस मिश्रण समांगी नहीं होते, समांगी नहीं होते।
अब यहां पर आपके दिमाग में एक प्रश्न उठेगा कि ठोस ठोस समांगी नहीं होते तो आखिर मिश्र धातुओं को ये विलयन में हम क्यों इसको समांगी कह रहे हैं। तो बेटा यहां पर जो हम एलिमेंट ले रहे हैं ये गलित अवस्था में, जिंक गलित अवस्था में और निकिल गलित अवस्था में यदि मिला देंगे तो मिलाने पर वह मिश्रित हो जाता है, पहचान में नहीं है कि जिंक है कि निकिल है। तो गलित अवस्था में मिश्रित धातुएं विलयन की तरह कार्य करती है जो ठोस ठोस है, लेकिन ठोस ठोस मिश्रण समांगी नहीं होते किस कंडीशन पर, जैसे मान लेते हैं कि चीनी ले लो आ यूरिया यूरिया ले लो, यूरिया देखे हो ना खाद, आ मिला दो कोदो की समांगी मिश्रण, कदापि नहीं हो सकता। तो ठोस ठोस मिश्रित या मिश्रित धातुएं ही ठोस ठोस मिश्रित धातुएं ही केवल विलयन हो सकती है, ठीक है, अन्य ठोस धातुओं की तरह मिलाएंगे तो समांगी मिश्रण नहीं हो सकता है। दूसरा देखें, ठोस द्रव, अब सोचो ठोस विलायक ठोस होना चाहिए और विलेय द्रव होना चाहिए, तो अब सोच करके बताइए कि कौन सा विलायक ठोस है और उसमें द्रव डाल दें तो ऐसी स्थिति में वो समांगी विलयन बन जाए। तो यहां पर यदि विलायक ठोस है और ये द्रव है तो देखो यहां पर सोडियम प्लस मरकरी, मतलब मरकरी में अगर सोडियम डाल देंगे तो क्या बना लेता है, सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम, ठीक है, तो यहां भी मिला देने पर ये मिश्रित हो जाता है। तीसरा देखो, ठोस गैस विलायक ठोस होना चाहिए, तो इसका उदाहरण बेटा आगे हम पढ़ेंगे, ये पैलेडियम है पीडी, अगर इसमें हाइड्रोजन गैस ये अवशोषित कर लेता है और पैलेडियम पर अवशोषित कर लेगा तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन जाता है, ठीक है, तो पैलेडियम और हाइड्रोजन गैस का ये समांगी मिश्रण ठोस और गैस का मिश्रण ये बन जाएगा, इसका उदाहरण हो गया। दूसरा, यदि ठोस के बाद हम द्रव रूप में लें, द्रव विलयन लें, तो चलो यहां पर जैसे ठोस तो लिखे, यहां द्रव लिख दें, तीन बार द्रव लिख दें, द्रव लिख दें, इसमें एक बार विलय के रूप में द्रव में ठोस मिला दें, इसमें द्रव मिला दें, इसमें गैस मिला दें, हमारे टेक्निक पकड़ रहे हैं आप लोग ना, यहां ठोस ठोस ले लिए थे, यहां द्रव द्रव ले लिए, और यही सीक्वेंस में यहां ठोस मिलाए द्रव मिलाए गैस, इसी तरह ठोस मिलाए द्रव मिलाए गैस मिलाए। अब यहां पर देखो, द्रव में ठोस, तो द्रव में जल ले लो विलायक के रूप में, इसमें ग्लूकोज डाल दो, ग्लूकोज डाल दो, विलयन बन गया ना समांगी मिश्रण, या जल के नमक भी ले सकते हैं जो घुल जाए, ये उदाहरण हो गया द्रव द्रव। अब यहां पर द्रव द्रव, द्रव द्रव का मतलब कि जल प्लस एथेनॉल, ये देखो, तो जल प्लस ये जल भी द्रव है, एथेनॉल भी द्रव के रूप में है, तो द्रव द्रव का मिश्रण ये आपका समांगी मिश्रण बन गया। तो प्रश्न उठता है कि इसमें कौन विलायक है, इसमें कौन विलायक है, कौन विलायक है, तो हम बता चुके हैं, अगर मानते हैं कि जो शराब पीते हैं तो अगर मान लो कि इसमें जल ले लिए, थोड़ी सी मात्रा वाइन डाल दी, तो ज्यादा मात्रा जल हो गई ये विलायक हो गया, लेकिन उल्टा कर दो, वाइन की मात्रा अधिक ले लो और जल कम डाल दो, तो वाइन यहां पर विलायक हो जाएगा और जल विलय हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये अंतर मात्रा के ऊपर आप निर्भर कर सकते हैं। अब तीसरा कंडीशन क्या है, द्रव गैस, अब द्रव में गैस, तो जल में ऑक्सीजन, जल में ऑक्सीजन, जल में ऑक्सीजन अल्प मात्रा में घुली रहती है ना, तो जल विलायक हो गया, ऑक्सीजन विलय हो गया। इसी तरह हम तीसरा विलयन लेंगे, तीसरा विलयन आपका है गैस विलयन, गैस विलयन, तो बेटा गैस विलयन में क्या होगा, इसी तरह यहां पर गैस ले लें, गैस ले लें, गैस ले लें, और बारी बारी से ठोस इसमें घोल दें, द्रव घोल दें,
गैस घोल दें। तो अभी इसका उदाहरण देखें कैसे होगा। तो अब यहां पर देखो, गैस में ठोस, तो गैस विलायक होना चाहिए और ठोस, अब देखो कपूर, कपूर प्लस यन टू, वायु में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है ना, तो यहाँ पे ये विलायक हो गया, ये विलय हो गया, या आयोडीन भी ले सकते हैं, गर्म करेंगे तो वाष्पित होता, कपूर उड़ करके मिल जाता है, ये उदाहरण हो गया। गैस द्रव, गैस में द्रव मतलब कि गैस यहां पर विलायक होना चाहिए और द्रव क्या होना चाहिए, विलय होना चाहिए। तो गैस में द्रव यदि हम मिलाते हैं तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर देखें गैस और द्रव, तो गैस विलायक होना चाहिए और द्रव विलय होना चाहिए। तो देखो गैस का मतलब वायु में, वायु का मतलब नाइट्रोजन में क्लोरोफॉर्म की वाष्प CHCl3, मतलब कि नाइट्रोजन में क्लोरोफॉर्म की वाष्प, तो नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है, विलायक के रूप में हो गया, क्लोरोफॉर्म की वाष्प कर देंगे तो पता नहीं चल पाएगा, ये उदाहरण हो गया। गैस 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 का मतलब कि नाइट्रोजन में ऑक्सीजन मिली हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है, तो गैस गैस में, अब जिसकी जो मात्रा अधिक हो जो विलायक हो गया, जिसकी मात्रा कम है वो विलय हो गया। तो यह कितने प्रकार के हो गए, 9, 3, 3, 6, 3, 3, 9, यह विलयन, ये जितने विलयन है ये सभी समांगी विलयन है। तो यहीं पर ये विलयन के प्रकार में यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो भी विलयन हम बनाते हैं उस विलयन में जो क्वांटिटी कम मात्रा होती है विलय की, सॉल्यूट की, उसका हम सांद्रता कैसे ज्ञात करेंगे, मतलब कि उसका कंसंट्रेशन हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे। यदि हमारी पढ़ाई आपको अच्छी लग रही हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।